हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी को वार्म कैसे करें, बॉडी को स्ट्रेच कैसे करें, बॉडी को रोटेट कैसे करें। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। वार्म अप के फायदे क्या होते हैं, इससे हमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आज हम वार्म अप के बारे में सीखेंगे कि वार्म अप में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे नेक से लेके पूरा नीचे टो तक। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसका नाम है नेक रोटेशन। लाइक 1 2 3। मैं कम रेप्स करूंगा, आप इसको 5 से 10 तक कर सकते हैं। मैं 3 रेप्स करूंगा। नाउ चेंज साइड बाय साइड, 1 2 3 4 5 6 7। Now change up and down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चेंज करते हैं। आप करेंगे हम अगली जॉइंट को, हमारा जॉइंट है अगला शोल्डर। नाउ 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2। बड़ा सर्कल बनाएंगे, जितना हाथों को पीछे ला सकते हैं पीछे से लाएंगे। नाउ चेंज दोनों मुट्ठों को अपने शोल्डर के ऊपर, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ चेंज 1 2 3 4 5। नाउ चेंज अभी आते हैं बैक के ऊपर, बैक मूवमेंट। 1 जो हाथ पीछे जा रहा है उसको अच्छे से देखना है, 4 5 6। नाउ चेंज उनको अपने L4 और L5 के बराबर में रख लेंगे। नाउ यू हैव टू रोटेट योर ट्रंक, 1 ट्रंक रोटेशन, 2 3। आप 5 से 10 रेप्स कर सकते हैं, 1 2 3। Now change side by side, 1 2 3 4 5 6। Now change अब आता है हमारा टो। तो टो को 1 अपने एंगल को रोटेट स्ट्रेच करना है, 2 3 5 सेकेंड तक उसको रोटेट रखें, ऐसे ही सामने की ओर, 1 2 3 4। Now change 1 2 3 4 5। Now change 1 2 3 4 and 5. उसके बाद पैरों को खोलेंगे, अब पैरों को खोलेंगे ऑल्टरनेट टो टच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वाड, ये हमारा लेग आउट। नाउ चेंज 1, ये हमारे हिप जॉइंट को खोलने का काम आता है, 2 3 4 5 6। इसको भी आप 10 दोनों कर सकते हैं। अब हमारा नंबर आता है हमारी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पंजे को उठाएं और पीछे बैठें, 1 2 3 4 5। इसको भी आप 10 कर सकते हैं। ये होने के बाद बहुत सीधा सा और सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सीधा नीचे लेट जाओ, अपनी हैमस्ट्रिंग को पीछे से पकड़ो, अपने दोनों हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक कर लो और 1, इससे आपकी स्ट्रेच हो जाएगी थाई बहुत अच्छे से, 3 4 फाइव। कुछ लोगों की काफी ऊपर तक जाएगी, कुछ लोगों की नहीं जाएगी। जिसकी स्ट्रेचिंग अच्छी है वो पूरा घूम पाएगा, कुछ यहीं पर टक जाएगी। लेकिन आप रोजाना ट्राई करोगे तो ये अच्छे से होने लगेगा, बहुत ईजी होने लगेगा। अभी चेंज करेंगे। नाउ आपको आना है, अपने काफ को स्ट्रेच करना है। तो आपको पूरा माउंटेन पोज में जाना है, पीछे खींचना है वन और ये आपकी काफ स्ट्रेच करनी है। कुछ के लिए बड़ा सिंपल होगा करना, कुछ को हार्ड पड़ेगा, तो कोशिश करें जितना हो सके करें। कुछ ऐसे रह जाएंगे, कुछ पूरा पीछे चले जाएंगे, तो धीरे धीरे करने से सबको आ ही जाएगा। तो वार्म अप कंप्लीट। अब आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं।